तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी में से गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ -2x + 1 > 1 तो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, तो इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व जैसे सिंपल इक्वेशन करते हैं वैसे ही कर लोगे आप, क्योंकि मॉडुलस तो है नहीं यहाँ पे, मॉडुलस में थोड़ा सा रूल्स होते हैं, बट यहाँ सिंपल इक्वेशन है तो इससे पहले आप सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्स वाले के पास लाएंगे तो ये प्लस एक्स है, यहाँ के माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर के पास जाएगा तो ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। इधर वाले का साइन चेंज नहीं करेंगे, 1 - 1 = 0। अब ये एक्स एक्स नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। अब देखो जब भी एक्स में माइनस साइन होता है एक्स के साथ, अगर कोई माइनस मल्टीप्लाई में होगा तो इनइक्वालिटी का रूल कहता है कि अगर मैं इस माइनस को अगर हटाना चाहती हूँ तो मैं माइनस से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, है ना। तो जब भी इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, तो इसमें हम कब, जब एक्स के साथ कोई माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो हम मल्टीप्लाई को हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपको पता है 3 > 2 है ना, ये है ना 3 > 2 होता है, बट अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे -3 और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब बताओ बड़ा कौन सा है, -3 और -2 में से। तो माइनस का रूल क्या कहता है, माइनस वाला छोटा नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है, समझ गए। तो जब भी हम अगर इनइक्वालिटी का साइन है 3 > 2 है, बट जब मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो उल्टा हो गया ना, तो -2 बड़ा हो जाएगा -3 से। तो वही रूल, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे -1 से तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ एक्स का यहाँ से माइनस हटा, 0 पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, लेस आ रही है और इक्वल भी आ सकती है। तो यानी इसका मतलब 0 से लेस और इक्वल। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे देखूँ, नंबर लाइन क्या होती है आपकी, -∞ से +∞ पे। ये 0 यहाँ पे एक नंबर ले लो, तो देखो 0 से कम है ना एक्स, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा सारा, और इक्वल का साइन भी है तो 0 भी इंक्लूडेड होगा। अगर इक्वल का साइन है तो 0 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा ना, इक्वल का साइन है ना क्वेश्चन में, हाँ, तो 0 इंक्लूडेड होना चाहिए, 0 से -∞, बी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, 0 इंक्लूडेड। तो यहाँ पे अगर इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन लगा है तो 0 को आप लोगे, और 0 से ये 0 के से छोटा मतलब छोटा मतलब लेफ्ट साइड पे शेडेड करोगे, तो 0 से -∞, और 0 पे क्योंकि इक्वल है तो इसलिए इसको क्लोज इंटरवल पे लगाना, और -∞ तो ओपन इंटरवल पे ही होता है। तो 0 से -∞ ऑप्शन बी है, देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 0 से -∞। तो आई होप इनइक्वालिटी का ये रूल आपको समझ आ गया होगा, जब भी एक्स पे माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हटाने के लिए हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। और ये आप नंबर लाइन पे चेक कर लेना, 0 से लेस का मतलब इधर चला जाएगा, और 0 पे इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, तो इसलिए ओपन इंटरवल नहीं लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स है आपका x - 4/(x²-16)। तो जब भी किसी p/q टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें डोमेन पूछिए, डोमेन का मतलब x होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब आपको x निकालना होता है, डोमेन मतलब x, और रेंज मतलब y होती है, ठीक है, रेंज का मतलब y, y मतलब fx, है ना। और डोमेन बोले तो x की क्या वैल्यू होगी इस फंक्शन के, अब ये फंक्शन रेशनल है p/q फॉर्म में, तो आपको रेशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो भी डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी रेशनल नंबर में x
के लिए क्या कंडीशन रहेगी कि जो इसका डिनोमिनेटर है, क्योंकि वो रेशनल नंबर फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर मेरे को कंडीशन लेनी है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो मेरे को ये डिनोमिनेटर पूरा जो है इसको नॉट इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मतलब क्या होता है, इसका इसका प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है नहीं, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आइडेंटिटी तो आती होगी आपको, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, ये जीरो नहीं होना चाहिए पूरा, यानी यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी, ये माइनस है तो ये प्लस 4 आ जाएगा, और प्लस है तो माइनस 4, यानी कि अगर मैं एक्स की जगह यहाँ 4 रखती ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 ये जीरो बन जाता, तो ये रेशनल नंबर डिफाइंड नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं माइनस 4 रखती तब भी देखो माइनस 4 का स्क्वायर तो प्लस का 16 आता, और फिर माइनस 16 तो ये भी जीरो बन जाता। तो यानी ना तो एक्स 4 होना चाहिए और ना ही माइनस 4 होना चाहिए, यानी कि मैं जो डोमेन है ना, एक्स डोमेन मतलब एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ ये दो नंबर को छोड़ के, ये दो नंबर का सेट जो है ये नहीं होना चाहिए। इन दो नंबर को ब्रैकेट में मत लेना, ब्रैकेट का मतलब तो फिर पता है क्या हो जाता है, ब्रैकेट में अगर आप ले लोगे माइनस 4 से 4, तो इसका मतलब तो होता है माइनस 4 से 4 के अंदर जितने भी आ रहे हैं, माइनस 4 से लेके 4 तक के अंदर जितने भी आ रहे हैं, तो ये तो तब इसका मतलब तो ये होता, इसलिए हमें ये दो ही नंबर नहीं लेने ना, तो इन दो नंबर को आप सेट में दिखाओगे, ब्रैकेट में मत लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो इंटरवल होता है कि माइनस 4 से लेके 4 तक सारे नंबर, जबकि हमें सिर्फ ये दो नंबर नहीं लेने, और कोई भी नंबर ले सकते हो, तो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिर्फ ये दो नंबर्स को छोड़ के, तो ये दो नंबर्स को आप सेट के अंदर दिखा दोगे, तो ये इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको रेशनल नंबर दिखेगा तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू देख लो कि कहाँ कहाँ पे जीरो बन रही है, तो ये दो नंबर्स को छोड़ के एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। या तो आप इसको एक और तरीके से दिखा सकते हो, देखो एक्स का फोर, फोर से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, फोर इंक्लूडेड नहीं है, फिर फोर से लेके, सॉरी यहाँ माइनस फोर, फोर तक इसमें भी फोर इंक्लूडेड नहीं है, और फिर फोर से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो ऐसे भी दिखा सकते थे आप इसको, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाता है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर जिसमें माइनस फोर इंक्लूडेड नहीं है सारे लेने हैं, फिर यूनियन, फिर माइनस फोर से फोर पे सारे लेने हैं, सिर्फ माइनस फोर और फोर को इंक्लूडेड नहीं करना, देखो इंक्लूडेड नहीं किया यानी ओपन ब्रैकेट लगानी है, माइनस फोर से फोर के बीच में सारे ले सकते हो, और माइनस फोर से माइनस इन्फिनिटी के बीच में भी सारे ले सकते हो, और फोर से इन्फिनिटी इसमें भी फोर इंक्लूडेड नहीं करना, तो ये भी लिख सकते थे आप, बट हम ऐसे इजीली लिख देंगे, सारे रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट ये दो नंबर्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये आंसर डी ऑप्शन है क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन सेकंड का आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है, एनी रियल नंबर हो सकता है एक्स या डोमेन, सिर्फ इन दो नंबर्स को छोड़कर। तो आई होप डोमेन का रेशनल वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में और भी पीवाई की उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक ज़रूर कर लीजिए, जितने अच्छी तरीके से आप प्लेलिस्ट को करोगे, प्लेलिस्ट के पीवाई की उसको करोगे, बहुत डिटेल सॉल्यूशन कराए गए, तो आप उसे अच्छी तरह से करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे अच्छी तरीके से, और आप अपना पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो मिड टर्म हो या एनुअल एग्ज़ाम हो। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्लेलिस्ट का। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, आपको फाइंड करना है एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, और वो फाइंड करना है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस वन बाई एक्स, कंडीशन क्या है, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो हमें पता ही है कि अगर मैं देखो एक्स का एलसीएम लूँ तो एक्स आ जाएगा, और फिर एक्स 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 स्क्वायर माइनस वन, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन, तो एक्स अगर जीरो कर दिया तो वो रेशनल नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये कंडीशन उन्होंने पहले ही दे दी है। अब हमको एफ एक्स दिया है, हमको क्वेश्चन में निकालना कि एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, तो एफ वन बाई एक्स का मतलब क्या होता है, देखो एफ वन बाई एक्स कुछ नहीं होता, एफ एक्स में ना एक्स को रिप्लेस करना है वन बाई एक्स से, बस इतना मतलब होता है इसका। तो एफ एक्स तो हमें दे रखा है ये पूरा, तो एफ एक्स की जगह तो हमने ये लिख दिया, अब एफ वन बाई एक्स एफ एक्स से ही बन जाएगा, जहाँ पे एक्स है ना उसको हमने वन बाई एक्स किया है, तो यहाँ एक्स है तो इसको वन बाई एक्स कर दो, और ये वन बाई एक्स है तो वन तो ऊपर एज इट इज़, और एक्स की जगह क्या कर दिया हमने वन बाई एक्स, अब ये वन बाई एक्स डिवाइड हो रहा ना ये वाला रेशनल नंबर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको पता है ना जब भी कोई नंबर
डिवाइड होता है, तो जो डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/x है तो x बाय वन, और यहाँ तो 1 है तो 1 लिखने की खास जरूरत नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके x ही मिलेगा। अब देखो ये माइनस का x और ये प्लस का x कट जाएगा, और ये माइनस का 1/x, ये प्लस का, ये भी कट जाएगा, कट गए सारे, तो जीरो आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता, एफ 1/x बोला तो ये एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करना होता है, एक्स की जगह 1/x रखना, इस एक्स की जगह रखूँगी तो 1/x, और इस 1/x की जगह रखूँगी तो एक्स बन जाएगा, तो ये जीरो आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अगर ये मान लो बोलते एफ 2x निकालो तो कैसे निकालते, ये एफ एक्स को ही देखो, एक्स की जगह 2x रख दो, फिर माइनस, फिर एक्स आ गया तो 2x रख दो। तो जहाँ एफ एक्स अगर पता हो और एफ 2x निकालना हो तो कुछ नहीं करना, एक्स को रिप्लेस करना होता है इस नंबर से। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर जीरो आएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक करना, डिटेल सॉल्यूशन डाले हुए PYQs के, मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, तो आप ज़रूर चेक करना उसे। और सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप उनको समझ के फिर से करना, अपने नोटबुक और पेन के साथ अपने आप ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, देखो ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बट ये देखो इनइक्वालिटी में रेशनल वाला इनइक्वालिटी है, रेशनल वाली इनइक्वालिटी को ध्यान से समझ लीजिए। इफ़ 1/x ग्रेटर देन 1 देन x बिलोंग्स टू, x निकालना है, x का मतलब डोमेन ही निकालना है आपको, बट आपको अब की बार इनइक्वालिटी में निकालना है। तो यहाँ पे जब भी इनइक्वालिटी रेशनल नंबर वाली होती है तो एक बात ध्यान रखना, देखो इसको आप ऐसे ही मत कर देना, ऐसे कर दोगे कि ये 1/x है तो x निकालने के लिए मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो ये x, अब ये 1/1 है तो ये आपका 1/1 का उल्टा 1, तो आप कहीं ये कहो कि ये आंसर इसका नहीं, तब तो इस हिसाब से तो आंसर क्या आ जाना चाहिए था, 1 से ग्रेटर का मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी, आप आंसर क्या लिख देते, 1 से इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, इसके हिसाब से तो ये आंसर लिख देते कि 1 से इन्फिनिटी जिसमें 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, है ना, तो ये आंसर हो जाना था नहीं। आपको क्या करना होता है, जब भी रेशनल वाली इनइक्वालिटी आती है तो हमें ये सिंपल सा, ये नहीं कि इसको उल्टा करके आंसर निकल जाएगा, हमें क्या करना होता है, इस एक्स को, इस एक्स के लिए मतलब पूरे नंबर्स को पहले एक तरफ लाओ, फिर एक्स के लिए ना एक वैल्यूज़ निकालोगे, नंबर्स निकालोगे। तो पहले तो ये 1 है यहाँ पे, तो इस 1 को पहले यहाँ ले आओ, देखो यहाँ पे ये प्लस 1 है तो ये यहाँ आएगा, तो ये माइनस, इधर से इधर आएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, साइन तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स पे थोड़ी ना माइनस लगा, अगर एक्स पे माइनस लगा देती या माइनस हटा देती तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अभी तो मैंने जस्ट इस नंबर को यहाँ लेके आई, तो ये प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया, इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी। फिर इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम नीचे एक्स और वन का एक्स आ जाएगा, अब ये अलग अलग है तो ये 1 1 जा 1 यहाँ आ जाएगा, और एक्स 1 जा x यहाँ आ जाएगा। अब ये आगे 1 - x / x > 0, अब यहाँ से आप क्या करते हो, देखो इनइक्वालिटी में जब भी नीचे एक्स आ जाए, कुछ भी नंबर मतलब एक्स की फॉर्म में आ जाए ना, तो इस एक्स मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा ना ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या पता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तभी ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर कब मिलेगा मुझको, जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, है ना, या फिर ये पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, समझ आ गया, तो उसमें मुझे न्यूमरेटर भी देखना पड़ रहा है और डिनोमिनेटर भी देखना पड़ रहा है। अगर मुझे इसको पूरे को पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर ही देखना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस डिनोमिनेटर को ना पॉजिटिव कर दूँगी। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगी कि इसको ना स्क्वायर फॉर्म में ले आऊँगी, तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नीचे, तो अगर मैं नीचे करूँगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब भी आपको रेशनल वाली इनइक्वालिटी आए तो आप ये जो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन है ना इसे हटा दिया करो, यानी कि इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दिया करो। इसका स्क्वायर करने के लिए इसी सेम इससे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना वही चीज, तो इससे क्या होगा एक्स स्क्वायर तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको ऊपर वाले को देखने की जरूरत है, तो अब मेरे को सिर्फ इसको देखना है। तो एक्स 1 - x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है ना। अब यहाँ से मैंने x के लिए 2 वैल्यू निकाली, ये मल्टीप्लाई में ना फैक्टर है, ये एक x तो 0 होगा x ग्रेटर देन 0, और या फिर 1 - x ग्रेटर देन 0, है ना, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। बट इजी तरीका क्या है कि x के लिए ना मैंने 2 वैल्यू निकाल ली, एक 0 और एक, अभी मैं इसको इस साइन को ना देख के सिर्फ 0 0 और
इसको देखती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसको, इसके ग्रेटर देन के साइन को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसके ग्रेटर देन साइन को देखेंगे तो या तो ये दोनों जीरो से कम होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, या ये दोनों जीरो से ज़्यादा होने चाहिए। तो फिलहाल मैं इसके इनइक्वालिटी को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करूँगी। तो यानी कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल मान लेती हूँ, या तो एक्स जीरो होगा या फिर एक्स कितना होगा। सॉरी, हु डू यू वांट टू कॉल? तो हम अगर इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले एक्स की दो वैल्यू निकालूंगी। एक बार एक्स जीरो आएगा और एक बार वन माइनस एक्स को सॉल्व करूंगी, तो एक्स कितना आएगा, वन। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वल लगा लो, क्योंकि हमें नंबर लाइन से ही सॉल्व करना है इसको। तो ये इक्वल में एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारी कंडीशन रहनी पड़ेगी, इसे पॉजिटिव इसे भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या फिर इसे नेगेटिव इसे भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत लंबा हो जाएगा, नंबर लाइन से थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो हमने क्या करा, इस हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को तो पॉजिटिव कर दिया, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को देखना था। तो मैंने यहाँ से न्यूमरेटर को ये वाली कंडीशन पर रखा और मैंने यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकाली, एक एक्स जीरो है और एक वन माइनस एक्स को अगर जीरो के इक्वल रखती हूँ तो एक्स वन आ जाएगा। अब देखो ये जीरो और वन पे मेरे को इस नंबर लाइन को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। ये पूरी नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे कहाँ कहाँ पे ब्रेक हुआ पॉइंट, एक तो जीरो एक्स जीरो पे और एक वन पे। तो एक्स की वैल्यू दो आ रही है, एक जीरो और एक वन, तो जीरो और वन। अब मेरे को क्या करना होता है, मुझे ना एक्स की वैल्यू एक तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू लेके देखनी पड़ेगी, या फिर एक जीरो से वन के बीच में या वन से इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि तीन इंटरवल बन रहे हैं हमारे, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, जीरो से वन और वन से इन्फिनिटी। अब हम ना कोई इस इंटरवल का कोई एक नंबर लेके देखेंगे, उसको इस वाले में, ये जो इक्वेशन मिली है मेरे को, इसमें रख के देखेंगे कि ऐसे देखेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी कि ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाला इंटरवल पे कोई एक नंबर लिया, जीरो से माइनस इन्फिनिटी के अंदर क्या आता है, माइनस वन आता है ना, जीरो से माइनस इन्फिनिटी वाले इंटरवल में माइनस वन आएगा। तो माइनस वन अगर आएगा, तो मैं अगर माइनस वन यहाँ रखती हूँ इस पूरे, ये जो मुझे यहाँ से, क्योंकि मुझे अब इस पूरे कंडीशन को नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये वाली कंडीशन को देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के हिसाब से माइनस वन रखती हूँ, तो एक्स देखो माइनस वन रखा, तो ये एक्स तो माइनस वन, और वन में से माइनस किया माइनस वन, वन में से माइनस किया माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा। तो ये वन प्लस वन टू, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये नेगेटिव आ रहा है और ये रिजल्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अब ऐसे इस इंटरवल को देखो, इस इंटरवल को देखो, जीरो से वन, जीरो से वन में मैं मान लो हाफ एक नंबर ले लेती हूँ, जीरो से वन के बीच में क्या आता है, हाफ आता है। तो अगर मैंने हाफ यहाँ लिया, तो हाफ ये पॉजिटिव है, और वन माइनस हाफ वो भी हाफ आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सेम ऐसी वन से इन्फिनिटी के अंदर कोई नंबर लो, टू ले लो, तो टू यहाँ पे रखा, टू पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे टू रखती हूँ तो वन माइनस टू तो नेगेटिव आ जाएगा ना, वन माइनस टू तो माइनस वन आ जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। तो वो ओवरऑल क्या कर देगा, प्रोडक्ट करके नेगेटिव बन जाएगा, समझ आ गया। तो यानी कि इस इंटरवल पर मुझे नेगेटिव मिल रहा है, इस इंटरवल पर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, और इस इंटरवल पर मुझे नेगेटिव मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन था, तो वन को पहले यहाँ ला के एक्स के लिए सॉल्व करना था, ये हमने सॉल्व किया। तो हमें जब भी रेशनल वाली इनइक्वालिटी होती है, तो इस नीचे वाले एक्स को हटाने के लिए इसको पॉजिटिव करना होता है, तो स्क्वायर बना दिया। तो एक एक्स से नीचे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर बनाने के लिए, तो ऊपर भी गया। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, जस्ट इसको देखने की जरूरत है। इसको हमने देखा, ये फाइनल इनइक्वालिटी हमें मिली, इससे हमने एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली, जीरो और वन। जीरो और वन को हमने इस नंबर लाइन पर रखा, फिर हमने इस तीन इंटरवल्स में से एक एक नंबर लेके देखा। इस वाले इंटरवल में मैंने एक नंबर माइनस वन लेके देखा, आप जरूर नहीं माइनस टू भी लेके देख लो। तो माइनस वन लेके देखा और इस पर रख के देखा ना उस वैल्यू को, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्रोडक्ट में आया, तो नेगेटिव मिला मुझे फाइनल। ये वाले में पॉजिटिव मिला और ये वाले में नेगेटिव मिला। और मुझे कौन सा वाला रूल देखना है, देखो ये ग्रेटर देन का साइन है ना, तो यानी कि मुझे पॉजिटिव वाला लेना है इंटरवल, तो मुझे ये वाला इंटरवल चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर यहाँ लेस देन का साइन होता, तो फिर मैं ये वाला और ये वाला इंटरवल लेती।
अगर ये वाला साइन ऐसे होता ना इनइक्वालिटी का, तो फिर मुझे ये वाला इंटरवल और ये वाला लेना पड़ता। अभी तो ग्रेटर देन का यानी पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये है ना पॉजिटिव वाला। तो यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी, और 0 से 1 में भी देखो यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं है ना नीचे इनइक्वालिटी में, तो 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से 1 आंसर होगा इसका। तो आई होप मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया कैसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने है फ्रैक्शन वाली। तो जिस जिस बच्चे को ये समझ आ गई है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे हम फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी में सबसे पहले नीचे वाले एक्स को हटाने के लिए उसको स्क्वायर बनाओ, इससे आपको जस्ट ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऊपर वाले को अगर आप कंडीशंस लोगे केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप नंबर लाइन की हेल्प से क्या करो इसे, नंबर लाइन में पहले एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और फिर इससे इंटरवल बन जाएंगे एक ये। उसके बाद आप इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट लेके देखो, इस वाले में रख के देखो उसे, तो आपको नेगेटिव मिल रहा है। इस वाले का कोई एक पॉइंट इस पे रख के देखा तो पॉजिटिव मिल रहा है। इस वाले का कोई पॉइंट इस पे रखा तो मुझे नेगेटिव मिला। मुझे तो कैसा चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए, यानी कि मेरे को ये वाला इंटरवल चाहिए क्योंकि इसी पर तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये इधर होता साइन तो फिर मेरा आंसर 0 से -∞ यूनियन 1 से ∞ आता, तभी आता। अभी फिलहाल क्या आएगा 0 से 1, और देखो यहाँ इक्वल नहीं है ना नीचे, यहाँ इक्वल नहीं है ना, तो 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी, बस इसके अंदर के जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूडेड है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से ∞ इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर कब होता, जब ये लेस देन का साइन होता। यहाँ पे क्या होता, लेस देन, तब ये आंसर होता। समझ आ गया, सी कब होता, जब ये लेस देन का साइन होता है इनइक्वालिटी में। अभी आपका ग्रेटर देन है तो 1 से ∞ आंसर है। बी ए ऑप्शन इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, आपको ऐसे ही डिटेल कंसेप्ट समझने को मिलेंगे, तो ज़रूर चेक करना। तो इनइक्वालिटी का रेशनल वाला आई होप सब बच्चों को समझ आ गया हो, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ए सेट के 7 है, नंबर बी सेट के 3 है, मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर होंगे। तो देखो जब भी ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम में मतलब एक सेट 7 है और एक सेट 3 है, तो यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन। देखो ए और बी में कॉमन बड़ा सेट तो हो नहीं सकता, ये तो बड़ा सेट है, तो ए और बी में कॉमन मैक्सिमम क्या हो सकता है, छोटा वाला सेट। तो छोटा वाला सेट कौन सा है, यानी कि इसका मतलब ए और बी का कॉमन मैक्सिमम कब होगा, जब पूरा बी सेट ना ए के अंदर आ रहा होगा, यानी कि जो सबसेट होगा ना वही मैक्सिमम होगा इंटरसेक्शन का या कॉमन का। मैक्सिमम क्या होगा, जो सबसेट होगा। अब यहाँ पे ए बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है ना, तो ए बी का सबसेट थोड़ी ना है, बी ए का सबसेट है। बी अगर ए का सबसेट होगा तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना आएगा, बी के बराबर आएगा। समझ आ गया, तो बी अगर सबसेट ऑफ ए है तो मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, सबसेट के बराबर होगा। यानी कि मैक्सिमम इसके अंदर कितने नंबर हो सकते हैं, जितने छोटे सेट के अंदर नंबर है तो 3। ठीक है, और मिनिमम बोलेंगे तो मिनिमम 0 होते हैं। मिनिमम कितना हो सकता है इंटरसेक्शन का, 0 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर आपको मिल गया, छोटा सेट 3 है ना, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। 5th का आंसर आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, आपको चेक करना है कौन सी कंडीशन यहाँ पे ठीक है। तो यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल बोल दिया, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके जो मॉड्यूलस होंगे, देखो Z1 अगर Z2 के इक्वल है तो उनके जो मॉडुलस होंगे, यानी कि इसका मॉडुलस समझते हो ना, कि इसका किसी भी Z कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। अगर Z मेरा A प्लस आयोटा B है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बना, एक रियल पार्ट से और एक इमेजिनरी पार्ट से, तो अगर Z मेरा A प्लस आयोटा B है तो इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसके इमेजिनरी वाले B का स्क्वायर कर दो और फिर रूट कर दो। आयोटा का स्क्वायर मत करना, A रियल पार्ट का जो A है और इमेजिनरी का B है उसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट, तो ये मॉडुलस Z होता है। तो
तो अगर कोई जेड वन जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके जो मॉडुलस होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, तो इस पे भी मॉडुलस का साइन लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। अब मॉडुलस ए प्लस आयोटा बी, अभी मैंने बताया कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। सी प्लस आयोटा डी का मॉडुलस भी कैसे निकलेगा, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर का अंडर रूट। रूट से रूट कट गया क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मॉडुलस समझ आ गया होगा, जैसे मान लो टू प्लस थ्री आयोटा है, इस जेड है ये मेरा, उसका मॉडुलस कैसे आएगा, मॉडुलस जेड टू का स्क्वायर कर दो प्लस थ्री का स्क्वायर कर दो और फिर जो भी आएगा उसका रूट कर दो, तो इससे मॉडुलस जेड निकल जाता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर कॉन्जुगेट जेड पूछ ले तो कॉन्जुगेट जेड में ऐसा साइन होता है, देखो जब ऐसा साइन लगा होगा तो इसका मतलब कॉन्जुगेट, और अगर ऐसा साइन लगा होगा तो मॉडुलस। तो जब कॉन्जुगेट पूछ ले तो कुछ नहीं करना होता, रियल को तो एज इट इज़ रखो, बस ये जो इमेजिनरी वाला है ना इसका साइन चेंज कर दो, रियल जैसा है साइन वैसा ही रखना है, इमेजिनरी वाला अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, रियल का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये कॉन्जुगेट होता है, इस तरीके से आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फोर, इस ब्रैकेट का मतलब जो होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x निकालना है आपको, तो देखो यहाँ पे मेरे को कई बार तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देते हैं, तो उसे हम पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो फिर ये फाइनल ये निकल के आता है, बट यहाँ पे इन्होंने सीधा हमें फैक्टर बना के दे दिया, मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस थ्री और एक फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस फोर इक्वल टू जीरो है और x निकालना है। तो यहाँ से पहले मैं इस फैक्टर, ये एक फैक्टर है ये एक फैक्टर है, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x को निकाल लेते हैं। देखो एक बार ये अगर जीरो कर दूंगी तो ये थ्री आ जाएगा, और फिर एक बार ये जीरो कर दूंगी तो ये फोर आ जाएगा, यानी कि मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वाई है ये पूरा फंक्शन ही तो था ना, तो ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर तीन आ रहा है और एक चार आ रहा है। अब ये आंसर तीन कब आया होगा, ये आंसर तीन कब आया होगा जब एक्स की वैल्यू तीन से चार के बीच में रही होगी। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है आंसर जो इसका रेंज होता है ना, रेंज वाई मतलब रेंज, जिसकी रेंज होती है ग्रेटेस्ट फंक्शन की, वो हमेशा किस इंटीजर वैल्यू के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, इंटीजर जेड के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई पॉइंट वाला या फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं हो सकता। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री का आंसर पूछूं तो थ्री ही मिलेगा, बट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 का आंसर मिलूं तब भी मुझे थ्री ही मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9 का अगर मैं आंसर दूं तो भी मुझे थ्री ही मिलेगा, हाँ अगर फोर आ गया तो फिर उसका आंसर मुझे फोर मिल जाएगा, ठीक है। तो 3.2 का आंसर भी थ्री, 3.9 का भी आंसर थ्री, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का मुझे थ्री आंसर मिलेगा, थ्री से लेके थ्री इंक्लूडेड है, थ्री का से लेके फोर, बट फोर पे फोर इंक्लूडेड नहीं होगा, तो मुझे ये थ्री कब कब मिलेगा, जब ये थ्री से लेके कहाँ तक होगा, फोर के जस्ट थोड़ा सा पीछे, बट फोर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो ये थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर मुझे थ्री कब कब मिलेगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री आंसर मिला है मेरे को, वो आंसर कब कब मिलेगा, जब मेरे एक्स की वैल्यू थ्री से फोर के अंदर कहीं भी हो सकती है, बट फोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए फोर पे ओपन इंटरवल लगाना है। ऐसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर आंसर कब कब देगा, जब एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, फोर कब मिलेगा, जब फोर से शुरू हो और फाइव तक हो, बट फाइव इंक्लूडेड ना हो, ठीक है। तो ये याद रखा करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री कब मिलेगा, जब एक्स जो होगा थ्री से फोर तक होगा बट फोर नहीं होगा, और फोर कब मिलेगा, जब फोर से फाइव होगा बट फाइव नहीं होगा। तो यानी कि x की वैल्यू 3 से स्टार्ट हुई कहाँ तक हुई, इस पूरे के लिए x की वैल्यू 3 से लेके 5 तक हुई ना, तो 3 इंक्लूडेड से लेके 5, देखो 5 पे तो ओपन था ना, तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये लाना है तो x क्या होना चाहिए, अगर ये लाना है तो क्या होना चाहिए, बट ये दोनों लाने हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा ना, इस पे 3 इंक्लूडेड है बट 5 नहीं, तो यानी 3 से 5 में सारे ले सकते हो, बट 3 इंक्लूडेड करना, 5 ओपन में रखना, यानी 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो इसका आंसर आपका 3 से 5, ये देखो ई ब्रैकेट्स की बहुत जरूरत इंपॉर्टेंस होती है, 3 इंक्लूडेड है बट 5 ओपन है, बी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।